तीन कमाल के सुपर ह्यूमन मूवीज बताता हूँ मार्वल और डीसी से हटके, जो एक बार जरूर देखना अगर अभी तक नहीं देखे हो तो। पहली है लूसी, जो कि 2014 में आई थी। इस मूवी के अंदर एक लड़की दिखाई जो कि एक ड्रग डील के अंदर फंस जाती है, और उस डील के दौरान उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसके अंदर कुछ सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आ जाती है। भाई वो बिल्कुल से चेंज हो जाती है, बिल्कुल मर्सीलेस वॉरियर बन जाती है। उसके दिमाग की पावर धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। तो कमाल की मूवी है, जरूर ट्राई करना, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। दूसरी मूवी है हैंकॉक, जो कि 2008 में आई थी। इस मूवी के अंदर एक सुपर हीरो दिखाया जो कि दुनिया की हेल्प तो करना चाहता है, लेकिन अगर दो लोगों को भी बचाता है तो करोड़ों की प्रॉपर्टी बर्बाद देता है, जिसकी वजह से उसको पब्लिक का बहुत ज्यादा हेट भी मिलता है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक दोस्त आता है जो उसकी हेल्प करता है इस हेट को कम करने के लिए, उसकी जिंदगी इंप्रूव करने के लिए और उसको एक बेहतर सुपर हीरो बनाने में। और अभी कैसे करता है ये मूवी के अंदर देखो, एक बार डेफिनेटली देखने लायक मूवी है। तीसरी मूवी है लिमिटलेस, जो कि 2011 में आई थी। इस मूवी के अंदर बंदा दिखाया जो कि अपनी जिंदगी के काफी ज्यादा उम्मीद लगा के बैठा था, तभी उसका दोस्त उसको एक पिल देता है और जैसे ही वो खाता है उसके अंदर का सुपर ह्यूमन जाग जाता है। उसका दिमाग से लेकर उसके सारे मसल सारे सुपर ह्यूमन लेवल पर चले जाते हैं। जिनका इस्तेमाल वो किस तरीके से करता है ये आप इस मूवी को देखो।